नाजन, पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो साथ में उन्होंने कहा जनाब कि बाकी पूरी दुनिया हमें अलाउड है, उनको वर्क परमिट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पाकिस्तानी जो हैं उसमें ये पाकिस्तानी हैं, टर्किश हैं, यमनीज हैं, दीगर दो चार लोग जो है ना, आप नहीं आ सकते उसमें। जो है इंडिया का बंद नहीं किया, इंडिया का नहीं किया, नजर आ रहा है कि उसके अंदर सिफारतकारी है, क्योंकि वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक मामला है कि इसको कल क्राइसिस के तौर पर डील करना चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तानियों को दुख इस बात का नहीं है कि उनका वीजा यूएई ने बैन कर दिया, उनको तो इस बात का दुख हुआ है कि हमारा बैन हुआ भारत का क्यों नहीं। हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डीबार किया है कि उनका वीजा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों को वीजे देना बंद कर दिए हैं। अरबों डॉलर्स भेजने वाले पाकिस्तानियों का रोजगार दांव पर है। वफाकी काबीना ने इतने अहम मसले पर तवज्जो ही ना दी। क्या अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केट्स पाकिस्तानियों के लिए बंद होती है तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई नए इकदाम प्लान किए हैं या नहीं? तो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि यूएई ने उन्होंने पाकिस्तानियों को बिल्कुल टोटल साइड पे कर दिया कि भाई साहब वो जो होता है ना अगले दौर में होती थी वो इंडियंस एंड फला फला नॉट अलाउड इन द क्लब, जो अंग्रेजों के दौर में था। तो साथ में उन्होंने कहा जनाब कि बाकी पूरी दुनिया हमें अलाउड है, उनको वर्क परमिट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पाकिस्तानी जो हैं उसमें ये पाकिस्तानी हैं, टर्किश हैं, यमनीज हैं, दीगर दो चार लोग जो है ना, आप नहीं आ सकते। और इसलिए भी है कि हमारा यूएई पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, हमारी जो है 4.5 बिलियन के सालाना तरसीलात वहाँ से आती हैं। और ये सऊदी अरेबिया के $2 बिलियन मांगने के बाद ये वाकया हुआ, तो इसलिए बड़ी तश्वीशनाक उस पे है। मैं थोड़ा सा आपसे अपना दिया वो लास्ट आपसे क्वेश्चन, लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना की वजह से यूएई ने सब कुछ किया है। वो ये समझते हैं जनाब कि अगर ये कोरोना मसला होता तो भारत में तो वहां पे जो अब तक वो उनकी डेथ हो चुकी है, 1,30,000 हो चुकी है, पाकिस्तान में 7,000 है। तो उन्होंने उनको बैन नहीं किया, टूरिस्ट वीजा नहीं बैन किया, उनके आगे वर्क परमिट नहीं बैन किया। पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीजा चलो समझ में आता है, ठीक है बैन कर दें, वर्क परमिट था वो भी इशू नहीं कर रहे। और उसमें इंडियन को उन्होंने लिस्ट में नहीं रखा, इसमें तुर्की लिस्ट में रखा है, उन्होंने यमन रखा है, पाकिस्तान। अब ये पूरा एक यहाँ पे कैंप, ये कैंप है कि जिसको सऊदीज और यूएई जो है, पाकिस्तान, तुर्की और उसका यमन वगैरह जो या ईरान कह रहे हैं, इनको पसंद नहीं करते। ये तो उस कैंप में उन्होंने डाल दिया, फिर इंडिया को उन्होंने नहीं डाला उसमें, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कोरोना से रिलेटेड है? नहीं बिल्कुल, मैं हर एक सहाफी को कहते हैं कि खुदा के लिए मसला उठाए हैं कि इनको एहसास है हुकूमत पाकिस्तान को कि इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको, जो आप हर साल वहां पे भेजते हैं लोग जाते हैं, और आपको $3-4 बिलियन की यूएई की आपकी मार्केट है, $4 बिलियन की आपकी सऊदीज है, और ऐसे बैठे हुए हैं निजाम सिक्का टाइप कोई हुकूमत का हमारा वो चल रहा है, एक टक्के का कहीं से फॉरन ऑफिस का बयान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ कोई हुकूमत पाकिस्तान का बयान। वैसे ट्विटर पे सारा दिन सुबह 6 बजे उठ के नाश्ता करके रात को आखिरी मेरा 12-2 बजे के करीब जाके सोते हैं, ट्विटर चलेता रहते हैं। इतना बड़ा वाक्य है, पाकिस्तानी तंग हो रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहां पे तंग किया गया, उनकी खबरें आ रही है। आपके फॉरन ऑफिस के बाबू साहब ने भर्ती किए हुए हैं वहां पे, आपका बकायदा एक काउंसलेट है या वहां पे जो एम्बेसी है, आपने एम्बेसडर से पूछा कि भाई साहब ये खबरें आ रही है ठीक है गलत है? अच्छा, उसके बाद फॉरन ऑफिस ने कोई उनसे पूछा, आपका एम्बेसडर यहाँ पे यूएई के रहते उनसे बात की कि भाई साहब इंडिया को इसमें शामिल नहीं है क्या? दीगर ममालिक नहीं है, दुनिया के 190 ममालिक पे बैन नहीं, हम पे बैन लग गया? बिल्कुल, वो कहते हैं ठंड प्रोग्राम है ना, इमरान खान साहब को कंसर्न है ना, उनको वजीरों को दिलचस्पी है ना, फॉरन ऑफिस को दिलचस्पी है। इतने बड़े 2 इंटरनेशनल वाकयात जो अगले पिछले 1-2 दिनों में हुए हैं, पूरी टोटल कैबिनेट एक डार्क में है, अंधार में है, उनको दिलचस्पी नहीं। मैंने पूछा अपने 2-3 जराये से मैंने बात की, मैं भाई साहब कोई बात हुई? वहां किस चीज की? मैं सऊदीज की उनकी मुलाकात हुई, इतना बड़ा वाकया है? कहते नो। मैं सर जी यूएई ने बैन कर दिया पाकिस्तान को, हमारा वहां से $9-10 अरब आता है और फिर उसके बाद सोना निकालने वाले हैं तो क्या करेंगे? उसने कहा कोई बात नहीं। तो मैं क्या बातें हुई वहां का? फिर बातें क्या हुई जरा सुने सर जी, मैं मतलब इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि जिस मुल्क के वजीर आजम को उनकी 60 की कैबिनेट को दिलचस्पी नहीं है, फॉरन ऑफिस को दिलचस्पी नहीं है, 22 करोड़ लोगों को नहीं है, एक एक टक्का हम भीख मांगते हैं दुनिया में डॉलर से, जहां से डॉलर आ रहे हैं और उनके साथ तलुकात आपके खराब हो चुके हैं, उसका अल्टरनेट नहीं है आपके पास। अब तक तो आपको टेलीफोन करना चाहिए था, यूएई से बात करनी चाहिए थी, अगर आपके इस मुल्क की अगर थोड़ी सी हमदर्दी, आप तो फ्लाइट लेके जाते कि भाई साहब हम आना चाहते हैं, हमसे बात करें, हमारे वर्क परमिट क्यों रोका आपने? नहीं, वो अपने हमारे ईगो के मसाइल हैं। आमिर साहब, संयुक्त अरब
अमीरात ने पाकिस्तान, ईरान, सीरिया और सोमालिया सहित 13 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के नए वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है। एक रोज़गार और यात्रा वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया और यमन सहित 13 देशों के नागरिकों के आवेदन को रद्द कर दिया गया। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यूएई ने अपने नागरिकों और कुछ अन्य देशों के लिए नए वीज़ा का देना बंद कर दिया है। साथ ही कहा कि वह निलंबन के कारणों को लेकर संयुक्त अरब अमीरात से जानकारी मांगने वाले थे, लेकिन फिर सोचा गया कि इसके पीछे कारण कोरोना वायरस महामारी है। हालांकि इधर उसके कारण दूसरे कारण भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएई के इजराइल के साथ द्विपक्षीय रिश्ते कायम रखने की तीखी आलोचना कायम की थी। इससे यूएई काफ़ी नाराज़ है। यही कारण है कि उनसे पाकिस्तानियों का वीज़ा देने की भी आनाकानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तानियों के सर पर यूएई से भगाए जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में फिलिस्तीन समर्थक पाकिस्तानी एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यूएई में रह रहे आम नागरिकों के प्रति अतिरिक्त सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और उन्हें छोटे छोटे जुर्म के लिए भी गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यूएई के अल स्वैन जेल में करीब 5,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बंद है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं और यूएई से डिपोर्ट किए जाने का डर भी सता रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान दोनों देशों को खुश रखने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम को 150 दुर्लभ बाज देने को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर के वन्य जीव विशेषज्ञों की चिंताओं के बाद भी इमरान सरकार ने यह फैसला लिया है। इमरान के इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई है। दरअसल सऊदी अरब और यूएई दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी करनी शुरू कर दी है। इससे डरी इमरान सरकार दुबई के शासक को खुश करने के लिए बाज भेजने का फैसला लिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया इमरान सरकार ने यूएई को 150 बाज निर्यात करने की विशेष अनुमति दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह इजाज़त पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दी है। इमरान सरकार ने यह इजाज़त तब दी है जब सऊदी अरब ने अपने बचे हुए $2 अरब कर्ज वापस करने को कहा है। तो वही यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देने पर बैन लगा दिया है। काफ़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक यूएई में रहते हैं और पैसा भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार बाज एक संरक्षित जीव है। इस पक्षी के निर्यात प्रतिबंधित है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अपनी डूब रही नाव को बचाने के लिए अब इन बेजुबानों की बलि दे दी है। अरब के शिकारी अब इन बाज का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में भी बाज की बिक्री बैन है और इसका व्यापार गैर कानूनी है। पाकिस्तान की अदालत ने इससे पहले साल 2014 में बाज के निर्यात और हुबारों के शिकार पर बैन लगा दिया था। उस समय भी सऊदी अरब और यूएई के साथ पाकिस्तान के संबंध खराब हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान सरकार घटने टेक दी और बाज को भेजने की इजाज़त दे दी थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।